30 से पैंतीस घंटों में एक लाख क्रॉस कर गई है तो आप ये कहेंगे मैंने उनके नाम के ऊपर व्यूज लिए है और जिनको खुद अपने व्यूज नहीं मिल रहे हैं उनके नाम पर मुझे कहां से मिलने हैं तो ये बात गलत कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं शुरू में इंजीनियर साहब ने भी सरकार मैंने कभी भी इस तरीके से व्यूज नहीं, नहीं लिए हमारी हमेशा वीडियो शुरू से जो आ रही है आप मेरी अभी वीडियो अपलोड है इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की उन्नीस गुस्ताखाना ए का तहकी जायजा किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लिखा हुआ किसी की तस्वीर नहीं लगी हुई है जाके देखें उसकी व्यूअरशिप इस साल सो के ऊपर मसला सेवेंटी फोर है दो मिलियन क्रास हुआ हुआ है उसके ऊपर किसी की तस्वीर नहीं लिखा हुआ है साले स्वाब के तरीके ये तो रिप्लाई तो मैंने आप लोगों की वजह से शुरू किया है जब आपके लोगों ने मेरी तस्वीरों पर कांटे लगा के मुझे रिप्लाई किया है, तो मैं तो अपना राइट रखता हूं फिर मैंने इनकी तस्वीरें लगाई हैं रफुल्दैन पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है बताएं मैंने किस मौलवी की उसमें तस्वीर लगाई हुई है रफुल्दैन से मुतल फिर कबाराना नजरियात का तहकी जायजा इतनी सिंपल उर्दू लिखी हुई होती थी ना किसी मौलवी की फोटो होती थी ना नीचे रोमन में किसी को रिप्लाई होता था

जाए बारह बारह साल पुरानी मेरी वीडियो देखें मुझे कभी किसी मौलवी की तस्वीर दिखाए किसी एक मसला नंबर के ऊपर दिखाए आप लोगों ने फतवे लगाए आपके मौलवियों ने फिर मैंने रिप्लाई करना शुरू किया कि यार अब ये एक बंदा बोला है अब मुझे एक बंदा सऊदी अरब में बैठ के कह रहा है ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला जानवर और खुद सऊदिया की तनखा ले रहा है और वो पायलट है एक फिरके का ठीक है और वो अपने बाप की उम्र के बंदे को गालियां निकाल रहा है मौलाना साग साहब को ठीक है और कैसी गलीस जुबान इस्तेमाल कर रहा है वो नुतफे और फलां फलां

तो ये जेन में रखिएगा ये लोग बोले कराची के मुफ्ती साहब जिनसे हो चुकी है इसलिए वो अब कल मशीन पे उन्होंने चढ़ा होना था जो मुफ्ती सही चढ़ा है के में। आप अपने नया बंदा ढूंढ लिया इस बंदे ने में पहली दफा जब पे देखा यार ज्यादा दिया इंजीनियर साहब के इसने एक वीडियो चढ़ा दी इंजीनियरिंग फिर का याद है आपको दो हजार सोलह सत्रह की बात है मैंने कभी मैं तो जानता भी नहीं था ये बंदा कौन है जब वो हुआ तो वो उसकी वीडियो लाखों में पहुंच गई अब मैंने कहा यार देखो अंदाजा करो जो बंदा फिरका के बोल रहा है, उसे कह रहा है बर्दाश्त करता है फिर दोबान की मंजिल मुझे बताया पहले मैं कभी इन किताबों के नाम लेता था आप दो से पहले एक इंजीनियर मिर्जा को देखें और बाद के देखें सिचुएशन का फर्क है वो जिस काफिर कहते हैं जी मक्की मोहम्मद और था और मदरी मोहम्मद और है मक्के में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी एक मजलूम तबका नजर आता है जिनकी पटाई हो रही है लोग उनको मार रहे हैं और वो हाथ भी नहीं उठा रहे कोड़े खा रहे हैं अंगारों पे लेट रहे हैं कोई एक गुरीला वार करके खाना काबाशी में रखे हुए बुत भी नहीं तोड़ रहे तेरह साल तक हजूर ने काबे की तरह मुंह करके नमाज पढ़ी और अंदर बुत रखे हुए हैं लेकिन कहते हैं मदीना शेफ जाते ही बदर ओहद खंदक खैबर हनैन फतेह मक्का फिर गजब तबूक फिर जनाब हजूर की फाकिया यरमूक ये वही साथी हैं जो मारे खाते थे अब पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है तो सरकार वो देखे ना उसके पीछे रीजन क्या है ये फेस चेंज होते हैं अब आप मदनी हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो मक्के वाली जिंदगी गुजारे वो टाइम खत्म हजरत अली अलीस्लाम ने पच्चीस साल सुकून के गुजारे हैं ना खुलफे राजदीन के दौर में लेकिन अपने दौर में उन्हें बुढ़ापे में तीन जगह लड़नी पड़ गई आपको कह पच्चीस साल से तो आप स्कूल में बैठे हुए थे आपको क्या हो गया तो फिर आपको बताएंगे कि यार मसला हुआ तो मुझे निकलना पड़ा ना तो ये फेजेस चेंज होती हैं इस में रखिएगा तो दो हजार सत्रह के बाद मजीद चेंज हुई मेनली दो हजार पंद्रह से जब मेरे खिलाफ क्लिप आना शुरू हुए मौलवियों के और मेरी तस्वीर के ऊपर काटे मार के और पता नहीं उन्होंने गुस्ताख और ये लिखा देखे ना यार आप यारिखे हमारा अभी भी देखें वीडियो चढ़ रही है लिखा होता है साथ ये मुफ्ती सईद ने कितनी गुस्ताखी की हदीस की लेकिन मैंने क्या लिखा रिप्लाई टू दौबंदी मुफ्ती सईद हाफिजाउल ये लोग लाना से नीचे बात नहीं करते इतना किसके अंदर हौसला होता है आप, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं जाऊं अजर बिलाल अफशी की तरह जाके कोयलों पर और रेगिस्तान के तफते सहरा पर लेट जाऊं सरकार लेटे रहे हैं इतना अरसा अब हम इस वक्त बदर में, में खड़े हैं ओहद में खड़े हैं बल्कि काशिया और यमूग में पहुंचे हुए हैं आप तो आपके हाथी भी हमने गिराने हैं बल्कि गिरा दिए अब आप हमसे फो वाली जिंदगी तो ना एक्सपेक्ट करें ना क्योंकि मामला तो आपने खुद खराब किया है भाई किसने कैसे रोंग को कहा था कि डेढ़ लाख का पूरा लश्कर लेके तो अरब के बॉर्डर पे आ जाए नबी इस्लाम को तो मदीनशी में बैठे हुए थे उसने अभी बदमाशी की अच्छा यार ये तो पूरे अरब में एक बादशाह आ गया है और उसने पूरे अरब पे तो ये है, बार भी निकलेगा वो इसलिए सोचते थे तो 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 डेढ़ लाख की फौज लेके बैठ गया कि भी कला कमा कर देते हैं इनका और वहां से जनाब नबीसलाम के कासिद को भी कतल कर दिया जब हजूर ने कासिद भेजा अपना और उस जमाने में कासिद का कतल तो इलाने जंग होता था लेकर निकले वो वहां से बॉर्डर छोड़ के भाग गए पहले वो बदमाश बना हुआ था ठीक तो है जब नबीलाम ने रिप्लाई टू किया ना रिप्लाई टू कैसे के दुम दुम भागा तो सरकार अब आप ये कहेंगे जी उससे पहले क्यों नहीं नबीलाम तो खाती लिख रहे थे सिर्फ फौज लेके क्यों पहुंच गए जाहिर है जी उन्होंने गलत हरकत की है तो ये तो होना है ना पहले तो हम मसला नंबर ही रिकॉर्ड करा रहे थे दावत ही दे रहे थे जब आप कांटे फेरेंगे और आप वनरेबल करेंगे हमें गुस्ताख कहेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते थे मैं रिप्लाई टू नहीं करूंगा तो ये बिल्कुल झूठ बोलना बंद करें मुझे पूरी अपनी तारीख बताया कि किस तरीके से कैसे कैसे चलेंगे सब सती बातें छोड़ें